राजस्थान युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की प्रतिज्ञा बैठक जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित हो रही है। राजस्थान युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की यह पहली बैठक है जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने पर मंथन चल रहा है। बैठक में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सह प्रभारी अमृता धवन, गणेश घोगरा भी शामिल हुए। बैठक में युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने सीएम अशोक गहलोत का स्वागत किया, साथ ही चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई। साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की प्रतिज्ञा बैठक इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान में यह बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी। बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, बीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां चर्चा हो रही है। राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी। सह प्रभारी अमृता धवन समेत अन्य पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जयपुर के जवाहर सर्कल स्थित होटल में निर्वाचन विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई। दो दिवसीय रिव्यू मीटिंग में जिला कलेक्टर और एसपी शामिल हो रहे हैं। इस दौरान ईवीएम मशीनों के रखरखाव और संख्याओं का फीडबैक लिया जा रहा है। साथ ही शांतिपूर्ण मतदान करवाने की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। ईसीआई के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई जिसमें नितेश व्यास, उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादु, मनोज कुमार साहू, वरिष्ठ प्रधान सचिव एनएन बुटोलिया भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ईसीआई की बैठक आज आयोजित की जा रही है जहां शांतिपूर्ण मतदान करवाने की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह पहली बैठक है जो जवाहर सर्किल होटल में दो दिवसीय रिव्यू मीटिंग यहां पर की जा रही है। जिला कलेक्टर और एसपी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत। लीलाधर, विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए ईसीआई की पहली जो समीक्षा बैठक है वो चल रही है, किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है? जी सुनिधि, मैं बताना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन की ओर से आज जो मीटिंग दो दिवसीय रखी गई है और उसके अंदर देखा जा रहा है कि जो जिला कलेक्टर है, जिला प्रशासन है, उनके अधिकारी है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी है, वो आज मीटिंग का रिव्यू मीटिंग देखी जा रही है। दो दिवस में आज इसको उद्घाटन सत्र हुआ है दो दिन के अंदर, और देखा जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी उसकी बात की जा रही है। ईवीएम मशीनों की रखरखाव के बारे में बात है कि ईवीएम मशीनों की किस प्रकार व्यवस्था होगी, क्या उनका संचालन किया जाएगा, उसकी व्यवस्था के लिए बात की जा रही है। और बात की जाए एसपी की, बात की जाए जो पुलिस आयुक्तों की बात की है उनसे बात की जा रही है, पुलिस अधिकारी से बात की जा रही है कि जो संवेदनशील जितने भी जो विधानसभा स्थल है, मतदान केंद्र है, उनकी गणना की जा रही है कि कहाँ पर संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर अति संवेदनशील माने जाते हैं, जहाँ पर बूथ कैप्चिंग जैसी लड़ाई झगड़े जैसे माहौल रहते हैं, तो उनको किस प्रकार से लगाम लगाया जा सके, उन पर किस प्रकार कार्रवाई की जाए, उन सबके लिए आज रिव्यू बैठक की गई है, मीटिंग की गई है। तो जिसमें
बात करें पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी है, जिला कलेक्टर है, वो सब आए हैं और इस मीटिंग के माध्यम से आगम विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। जी सुनिधि जी, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव के मतदान करवाने के लिए ईवीसीआई की समीक्षा बैठक आज की जा रही है। 2 दिवसीय रिव्यू मीटिंग के लिए